तो दोस्तों तुगलकाबाद फोर्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? आप पत्थर देख रहे हो, यहाँ पर चलना तो बहुत ही सावधानी के साथ चलना, ठीक है, क्योंकि पैर फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोइंग लाइफ, और मैं आपके साथ आपका दोस्त यशवर्धन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों यार, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जगह लेके जाने वाला हूँ। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रहा हूँ दिल्ली की। मैंने लास्ट आपको पुराना किला दिखाया था, हुमायूं स्टॉप दिखाया था और लोधी गार्डन दिखाया था। तो आज वैसे ही आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस लेके जा रहा हूँ और मैं आपको नाम बताता हूँ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ तुगलकाबाद फोर्ट। आपने नाम सुना होगा, आप गए भी होंगे। अगर आप नहीं गए हो तो यार मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए लेके चलूंगा। तो चलिए यार, बिना कोई टाइम वेस्ट करें, और वैसे भी आज संडे भी है, तो मतलब हम चार पांच दोस्त जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से दोस्तों के साथ चलेंगे सीधा तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है। और जो वहाँ की टिकट का प्राइस होगा, लोकेशन होगी और ओपनिंग और क्लोज का टाइम होगा, वो मैं आपको सब बता दूंगा ब्लॉग के बीच में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता ही डालता हूँ, ठीक है, पर मैं आपको ब्लॉग के बीच में भी जरूर बताऊंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें, चलते हैं सीधा तुगलकाबाद फोर्ट। आइए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मेट्रो स्टेशन। मतलब मैं नहीं, हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मतलब मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। चलो मैं आपको सबसे पहले अपने दोस्त दिखाता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो, ये मेरा दोस्त उमर अली और ये सोहेल, और वो साइड में खड़े हैं यादव जी, हमारे अंकित कुमार यादव जी। ये देखिए इनका डांस देखिए, अपनी धुन में मगन है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन से नीचे की तरफ, और यहाँ नीचे आते ही एक प्यारी सी खूबसूरत यात्रा दिखी। आप देख सकते हो मतलब कितनी सुंदर लग रही है यात्रा, और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के भजन भी चल रहे हैं, तो और ही आनंद में है, और ही आनंद आ रहा है इसको सुन के। तो चलिए यार फटाफट अब ऑटो में बैठते हैं, चलते हैं तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ। आइए दोस्तों, ऑटो में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ, और आप देख सकते हैं हम बैठे हैं पीछे तीन, और हम लोगों को लग रही है बहुत ठंड है, और आगे बैठे हमारे अंकित भाई क्योंकि उनको सीट नहीं मिली। और ये देखिए यार, अपनी मूंछों को तव कैसे दे रहे हैं, मतलब भाई ये इसका ये चलता रहता है, आप देख रहे हो मुस्कुराहट देखो इसकी शीशे के अंदर। तो चलिए यार अब चलते हैं सीधा फोर्ट की तरफ। आइए तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि है मेरे सामने है। मैं आपको सबसे पहले फोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता आप सामने देख ही सकते हैं। तो फटाफट यार पहले टिकट लेते हैं, तो टिकट काउंटर भी दिखाई देता हूँ आपको। आप सामने देख सकते हैं वो है टिकट काउंटर। तो दोस्तों मैं चल पाऊँगा यार टिकट काउंटर की तरफ, हम चारों के लिए टिकट लेने के लिए, और फटाफट टिकट लेते हैं, और टिकट का जो प्राइस होगा मैं आपको ब्लॉग के बीच में बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए फटाफट टिकट लेते हैं, चलते हैं अंदर फोर्ट की तरफ। आइए तो दोस्तों यार हमें टिकट तो मिली नहीं, क्योंकि यार उनका सिस्टम था ख़राब, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आप गेट पर जाइए, हम वहाँ पर कॉल कर देंगे, लेकिन उन्होंने पैसे हमसे पूरे ही लिए। तो अब चलते हैं सीधा मेन गेट की तरफ, जहाँ से होगी फोर्ट के अंदर एंट्री। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मेन गेट के पास, और आप सामने वीडियो में देख सकते हो मेन गेट, जहाँ से फोर्ट के अंदर मेन एंट्री होती है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तुगलकाबाद किले के अंदर, और यार मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आओ मेन गेट पर तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यार यहाँ पर बंदर वगैरह बहुत होते हैं। अगर आप वीडियोज़ वगैरह बनाओ तो बहुत संभाल के बनाना, फ़ोन टाइट से पकड़ना, यहाँ पर बंदर होते हैं काफ़ी सारे। दोस्तों किले में एंटर करते हैं, सबसे पहले दिखा हमें एक बंदर, और उसके बाद ही चढ़ाई, मतलब भाई इस किले में एंटर करते ही चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ये प्रॉपर किला है यार, जो होते हैं ना चढ़ाइयों पर जो किले बने होते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। तो दोस्तों थोड़ी सी चढ़ाई के बाद हमें दिख गई हैं सीढ़ियाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आया कहाँ से हूँ। वो देखिए उधर कोने की साइड से, मतलब भाई वहाँ से चढ़ के आए हैं हम, देख सकते हो आप। और अब यहाँ इसके ऊपर की तरफ जाएंगे हम। हम लोग आ चुके हैं बहुत ऊपर चढ़ाई करके, और आप देख सकते हो अंकित भाई की हालत फिट टाइट हो गई है। चढ़ाई के नाम पर तो इनकी पता नहीं क्या होता है। अंकित भाई इधर तो दिखाओ शक्ल अपनी, कैसी हालत है अभी, ठीक हो आप? हैं? तो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो यार, ये किला एकदम टूट फूट गया है, मतलब एकदम से कहते हैं ना कि खंडर सा, मतलब खंडर की तरह लग रहा है यार। यहाँ पर पत्थर वगैरह सब टूट गए, मतलब पता नहीं चल रहा है कौन सी चीज़ क्या बनाई गई थी और क्या थी, तो मतलब ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि यार अगर आप उस साइड से आओगे तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दो तीन गड्ढे हैं, तो संभाल के आना कि गड्ढों में पैर ना चला जाए, क्योंकि यार उससे आपको बहुत इंजरी हो सकती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना अब इन गड्ढों का। तो दोस्तों ठंड का मौसम तो चल रहा है, लेकिन आज निकले हुए हैं सूर्यदेव, तो ठंड नहीं है और हवा भी चल रही, और सूर्यदेव निकले हुए तो उसका मतलब ये नहीं गर्मी है भाई, बहुत सही मौसम हो रहा है। और तुगलकाबाद फोर्ट भाई इतनी चढ़ाई पे, इतनी चढ़ाई पे सच में थोड़े बहुत पैर थकना चालू हो गए हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। आइए तो दोस्तों चढ़ाई जारी है, और चढ़ाई है बहुत लंबी। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दो साथी कहाँ पहुँच गए हैं। मैं पीछे पीछे शूट करके आ रहा था, और ये दोनों देखो कहाँ पहुँच गए, एकदम ऊपर टॉप पे। आप देख सकते हो रे, वहाँ भी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, मतलब भाई इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और ये हमारे सोहेल भाई, ये सोहेल भाई इनके फोटोग्राफर हैं, ये देखो इंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जहाँ पर अंकित खड़ा था, मैं अभी अब उसी ऊंचाई पर आ गया हूँ, और आप देख सकते हो सामने घर वगैरह, सामने कितने सारे घर हैं, और ये देखिए बहुत ही बड़ा जंगल। यार ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी और ऊँचाई पर जाऊँ तो मैं आसमान छू लूँगा, इतनी ऊपर आ गया हूँ कसम से। और नज़ारा इतना प्यारा आ रहा है, एकदम हरा भरा नज़ारा सामने।
आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों जब आप ऊपर की तरफ आओ मतलब चढ़ाई करो तो यार बहुत ही ज्यादा देख कर करना, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब काफी सारे पत्थर टूटे हुए हैं और पैर फिसलने की संभावना बहुत रह सकती है। तो यार चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ थोड़ा और ऊपर की तरफ और फिर करेंगे व्लॉग को आगे। यहाँ हमारे परम मित्र अंकित जी, आप जानते ही होंगे सृष्टि ज्ञान केंद्र का केंद्र के नाम से जिनका चैनल है यूट्यूब पे और जो एक शिक्षक भी हैं, तो वो आपको तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में कुछ बताएंगे, किसने बनाया तुगलकाबाद फोर्ट। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फोर्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और ये दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख राजधानियों में से एक है। जब आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी राजा बने सब ने अपनी अपनी राजधानियों का केंद्र दिल्ली को ही रखा, नाम से ही पता चल रहा है दिल्ली सल्तनत काल है वो। और इसे ये मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए कि आप दिल्ली में ही राजधानियों को क्यों बसाया गया है, क्योंकि दिल्ली एक दिल्ली कोई राज्य नहीं है, दिल्ली भारत के मध्य में बसा हुआ है, जिस कारण से दिल्ली से पूरे भारत पर शासन करना बहुत आसान है। कह सकते हैं आप दिल्ली बाज़ार है सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है दिल्ली। तो आप ये देख सकते हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या वास्तुकला है इसकी। वास्तुकला को समझना बहुत ज़रूरी है, भारत की वास्तुकला रोमन्स वास्तुकला से बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से बनाया गया है और कितने मोटे मोटे पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, ये एक बड़ी बात है। इसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारा इतिहास है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। बनाया किसी ने भी हो लेकिन ये हमारा है, ये हमारी संपत्ति है और यहाँ पर जो संसाधन लगे हैं वो हमारे हैं, जिस पर गर्व करना हम सबका फर्ज है और इसे संरक्षित करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। खतरों के खिलाड़ी का गेम चल रहा है, आप देख सकते हो फोटोशूट यहाँ पर। ये देखिए उमर भाई फोटो खींचते हुए और ये सोहेल भाई बिल्कुल अपनी जान को हथेली पर रख के पत्थर पे बैठते हुए, टांगे कांप रही हैं, इनकी टांगे आप देख सकते हैं, टांगे कांप रही हैं और तसाओ नीचे गिर जाएंगे। हाँ, और इसकी और टांगे कांप रही हैं उमर भाई की देख सकते हो आप। तो भाई का फोटोशूट कंप्लीट होने देते हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ व्लॉग बनाने के लिए। तो दोस्तों यार ऊपर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाने के बाद और अंकित भाई से थोड़ा ज्ञान लेने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मीना बाजार की तरफ। यहाँ पर एक मीना बाजार भी है, तो चलते हैं अब सीधा मीना बाजार। आइए, तो सोहेल भाई ने अपनी हुडी उतार ली है, अब सोहेल भाई का दूसरा ड्रेसअप आ गया, तो मतलब ये कम से कम 2 महीने की फोटो यहीं से क्लिक करवा के जाएंगे। इनको आदत क्यों लगी मैं आपको बता देता हूँ, इनको आदत लगी है हमारे वकील साहब से। वकील साहब दिन में 500 फोटो खींचते हैं जिसमें से 2 डालते हैं और 10 रखते हैं। शक्ल तो दिखाई दे वकील साहब, सच बात है ना, पागल आदमी देख सकते हो आप, मतलब रास्ता बना हुआ है वहाँ से जाने के लिए लेकिन ये इस पर चढ़ के जाएगा। एडवेंचर, हाँ अभी मुँह मत्था चेक हो गया ना फिर पता चलेगा एडवेंचर बहुत बढ़िया वाला। आजा भाई नीचे आजा यार। तो दोस्तों आपको जो पीछे वीडियो में सुरंग टाइप की दिख रही होगी तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये है तुगलकाबाद फोर्ट का मीना बाजार, जो उस समय काल में बाजार लगता था, तो इसका नाम है मीना बाजार। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तो चलिए मैं भी आपको लेके चलता हूँ मीना बाजार की तरफ। लेके आ गया हूँ मीना बाजार के अंदर, आप देख सकते हैं आपको साइड में कुछ यहाँ पर कोने से मिल जाएंगे, यहाँ पर दुकानें लगती थी, तो ये उस टाइम का मीना बाजार है और जो कि है तुगलकाबाद फोर्ट है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको पूरा दिखाता हूँ ये बाजार कैसा है, मतलब अभी तो कोई बाजार नहीं है पर पहले यहाँ पर बाजार लगता था। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग को आगे। आइए दोस्तों आप सामने देख ही सकते हो यार एक गली सी जा रही है, वो पूरा मीना बाजार ही है, बिल्कुल एंड होता है वहाँ पर। आप सामने देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा गेट एंडिंग का, वो पूरा मीना बाजार का एंड है, मतलब उस टाइम जो मीना बाजार लगता था। और आप साइड में छोटे छोटे कमरे से देख रहे होंगे ये थी वहाँ की दुकानें, ये आप देख सकते हैं खिड़कियां। दोस्तों मीना बाजार से निकलने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किले के दूसरे हाईएस्ट पॉइंट पर और आप मेरे तीनों साथियों को देख सकते हैं, भाई इनका फोटो से पेट नहीं भरता है, ये देखिए अभी भी सोहेल फोटो ही ले रहा है। तो दोस्तों आप जो सामने देख सकते हो ऊंचाई वाली जगह, अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वहाँ पर, भाई बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है। तो चलिए यार अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वहीं चलते हैं। तो दोस्तों तुगलकाबाद फोर्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है, आप पत्थर देख रहे हो, यहाँ पर चलना तो बहुत ही सावधानी के साथ चलना, ठीक है, क्योंकि पैर फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भाई आओ आराम से घूमो मज़े करो, बहुत सही फोर्ट है, मतलब बहुत खुला एरिया है, बाकी तो आप समझदार हो ही। तो चलिए व्लॉग को करते हैं आगे। तो दोस्तों हमने कर दी अपनी चढ़ाई चालू, आप देख सकते हो, तो आधे रास्ते पे तो हम आ ही गए हैं और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया ऊपर जाने के लिए, मतलब जो छत टाइप की है वहाँ पर, तो वहीं चलते हैं फटाफट।
दोस्तों सच में यार ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है यार, पैर थक गए हम सबके। आप देख सकते हो कितने आराम आराम से चल रहे हैं हम, वैसे हम ऊपर पहुंच ही गए हैं लेकिन सच में यार बहुत ही लंबी चढ़ाई है यार, पैर थक गए एकदम। तो दोस्तों इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊपर की तरफ, और आप देख सकते हो मतलब यहाँ से तो पूरा फोर्ट दिख रहा है भाई, यहाँ से हर एक चीज दिख रही है फोर्ट की, देख सकते हो आप यार, मतलब बहुत ही बड़ा किला है यार, अब पता चल रहा है कितना बड़ा किला है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल खिंचवाई है 200 फोटो, और जिसमें से 150 फोटो है उमर भाई की, देख सकते हो कितने खुश हैं। तो अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर उतना कुछ था नहीं, नज़ारे हमने देख ही लिए, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। और ये देखिए नीचे कौन खड़ा है, तो हमारे मास्टर जी चढ़ाई में सबसे आगे थे और ये उतराई में भी सबसे आगे हैं, चढ़े भी सबसे पहले गए और उतरेंगे सबसे पहले ही। तो दोस्तों आज मेरे पैर मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं, क्योंकि यार मैंने अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ही थका दिया है सच में यार, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यहाँ भी ऊपर जाऊँ, जब आए हैं तो पूरा फोर्ट घूम के जाएंगे। आप देख सकते हो दो साथी पहले ऊपर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं एक ऊँचाई वाली जगह पर पत्थरों के बीच, और अंकित भाई का कहना है कि यहाँ से लोग पत्थर चुरा चुरा के ले गए। तो भाई वो कौन लोग हैं जो आप कह रहे हो जो पत्थर चुरा चुरा के ले गए? यही के स्थानीय लोग ही होंगे, और कोई तो ले नहीं जा सकता, पर ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप यहाँ प्रमाण देखिए, आप देखिए पत्थरों को, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद। चल चुका अंकित भाई ने फिर 2 मिनट का आपको ज्ञान दे दिया है, जो कि अंकित भाई देते रहते हैं। तो अंकित भाई कह रहे हैं ऐसे पत्थर चोरी करे गए हैं, तो भाई इतने भारी पत्थर कौन उठाता होगा ये बताओ पहले तुम्हें, किसकी जमे कितने भारी भारी पत्थर उठानेगा कोई? भाई पत्थर उठाने के लिए आज के टाइम पे चीज़ें बहुत उपलब्ध है। आप अगर आपने नहीं देखा हो, यहाँ लोग सड़क पर जो मसाला बिछाया जाता है ना, वो भी चुरा के ले जाते हैं। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, आया है बस आपका टाइम आउट हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पत्थर चोरी की बात चल रही थी, तो अब हमारे उमर भाई, अब थोड़ी उमर भाई से इनका मत लेंगे कि पत्थर चोरी पे क्या कहना चाहोगे। अंकित भाई कहने की यहाँ से लोग पत्थर चोरी करके लेके गए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अंकित भाई ने इतना कुछ बोल ही दिया है, तो अब हमारे पास कुछ बचे ही नहीं है शब्द बोलने को। अब अंकित भाई ने आपको सारी चीज़ बताई है कि लोगों ने पत्थर चुराया है, और कैसे चुराया है वो भी बता दिया है, और उनकी बात कहना भी कहीं हद तक ठीक भी है कि मसाले आजकल के लोग चुरा लेते हैं, तो पत्थर कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हो उमर भाई ने बहुत ही सेफ प्ले करते हुए अपना जवाब दिया है कि अंकित भाई ने जो कहा उमर भाई भी उससे सहमत है। तो भाई नज़ारा दिखाता हूँ आपको, इतना प्यारा नज़ारा है ना, यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है। सोहेल भाई यहाँ से नज़ारा दिखा दीजिए, और पहले बता दूँ भाई जो हमारी वीडियो बना रहे हैं इतनी मेहनत करके, वो हमारे सोहेल भाई, ये आप देख सकते हो तो खूबसूरत। तो दोस्तों यार ऊपर से मेरी नज़र पड़ी सामने की तरफ, आप देख सकते हो मतलब ये जो एरिया कितना जिगजैग बना हुआ है यार, ऐसा लगता है कि अगर ये टूटा हुआ ना होता तो एक थोड़ा भूल भुलैया की तरह ही लगता है भाई। आप देख सकते हो कितने सारे रास्ते निकले हुए अंदर से, आप अगर एक गौर से देखोगे इस चीज़ को। तो दोस्तों यार नीचे उतरने के बाद मुझे देखी एक और चीज़, और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, आप देख सकते हो सामने की तरफ ये, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या बनाया हुआ है या फिर ये क्या होगा उस टाइम पे। तो अगर आपको ये पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्या है और क्या बनाया गया। मतलब हम निकल ही रहते हैं यहाँ से, लेकिन अंकित भाई का उद्घाटन हो चुका है टांग का, देख सकते हो आप अंकित भाई की चाल लंगड़ा के चल रहे हैं। भाई चाल टेढ़ी किसने करी है? बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अंकित भाई का पैर ठुक गया था पत्थरों से। अंकित भाई इस पर भी कुछ टिप्पणी देना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, कुछ गलत करा होगा पिछले जमाने में, इसी का आज फल मिल गया तुरंत। देख सकते हो अंकित भाई के पास हर चीज़ पर टिप्पणी है भाई। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं तुगलकाबाद फोर्ट से बाहर, और सच में यार तुगलकाबाद फोर्ट है बहुत बड़ा, लेकिन अभी हम घर नहीं जाएंगे, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ज्ञानसू दिन के मकबरे की तरफ। दोस्तों आप सामने देख सकते हो किले का रास्ता, और जस्ट उसके सामने ही मतलब रोड क्रॉस करते पड़ता है ज्ञानसू दिन का मकबरा। तो जो आपकी फोर्ट की टिकट है वो यहाँ पर दिखाने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ज्ञानसुद्दीन के मकबरे के मुख्य द्वार पर, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये उसका मुख्य द्वार। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यार मकबरे के अंदर, और मैं आपको मकबरे के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो दोस्तों यार गयासुद्दीन जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, और उसका यह मकबरा 1328 में बना। और दोस्तों यह मकबरा एक पथरीली जगह पर बना हुआ है, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था उस समय, और तुगलकाबाद किले से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ था, जिस पुल से हम चलकर आए हैं, आपने देखा ही था जिस पुल पर हम चल के आए हैं, और बीच में जो रोड थी वो पहले पूरा एक पुल था कि मतलब तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन के मकबरे का पूरा जोड़ रखा था वो। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो ये है मकबरे का मुख्य कक्ष, जहाँ पर है गयासुद्दीन की कब्र। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ थोड़ा सा दिखा देता हूँ अंदर की झलक। तो दोस्तों गयासुद्दीन के मकबरे के दूसरे गेट से निकलते ही आपको सामने दिखेगा जफर खान का मकबरा, मैं आपको दिखाया था ऊपर, वो है जफर खान का मकबरा जो आप देख सकते हो सामने की तरफ। काफी सारे कबूतर भी बैठे हुए हैं वहां पर, और मौसम भी हो गया यार बहुत अच्छा, मतलब साफ मौसम हो गया एकदम खुला।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक जाल दिखाया जिसके नीचे जा रही है सीढ़ियाँ। अब ये जाल बंद कर रखे लेकिन इसके नीचे सिक्के भी हैं, आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर सिक्के डाले हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं गयासुद्दीन के मकबरे से बाहर की तरफ और हमने पूरा तुगलकाबाद फोर्ट भी घूमा और गयासुद्दीन का मकबरा। तो दोस्तों यार फटाफट चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों यार फाइनली मैं आ चुका अपने घर की तरफ और यार इतना बड़ा है तुगलकाबाद फोर्ट, इतना बड़ा है। एक तो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या खंडर टाइप का ही है, मतलब वहाँ पर टूट गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, टूटी गई एक तरीके से मान लो आप, तो पूरा खंडर टाइप का है। और भाई इतनी चढ़ाई पे मतलब जेनुअनली बता रहा हूँ, अगर कोई किला कहते हैं ना उसको जेनुअनली किले जैसा ही है भाई, कि मतलब एंट्रेंस से चढ़ोगे आपको चढ़ाई मिलेगी, फिर आगे जाके चढ़ाई मिलेगी, फिर आपको किले की अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर जानी है वहाँ चढ़ाई मिलेगी, फिर मैंने आपको मीना बाजार दिखाया नीचे का, तो भाई बहुत ही थकान हो गई बहुत ज़्यादा। तो मतलब तुगलकाबाद फोर्ट अगर जाओ तो टाइम निकाल के जाना अच्छे से। और मैं आपको टिकट का प्राइस बताता हूँ, टिकट का प्राइस वहाँ पर है 25 रुपीज़ अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो, मतलब अगर आप काउंटर से टिकट लेते हो तो आपको टिकट का प्राइस पड़ेगा 25 रुपीज़, लेकिन आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको ऑनलाइन टिकट का प्राइस मिलेगा 20 रुपीज़। ऑनलाइन शायद अभी वहाँ पर अवेलेबल, मतलब बंद कर रखे ऑनलाइन कुछ टाइम के लिए, लेकिन वहाँ पर जब आप जाओ तो एक बार देख लेना कि ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है। बाकी ऑफलाइन तो वहाँ पर 25 रुपये की टिकट है, तो आप जाओ। और हाँ, अगर आप जा रहे हो तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा? देखो मेरे हिसाब से मैं गया था गोविंदपुरी से, लेकिन मुझे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन बहुत दूर पड़ा था, तो आपको नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मैं तुगलकाबाद से ही वापसी आया हूँ। तो आप उतरना तुगलकाबाद एक्सटेंशन करके मेट्रो स्टेशन का नाम है, जो कि है वॉयलेट लाइन पे, तो आप उससे ही आना। और बहुत मज़ेदार जगह है, बहुत मज़ेदार जगह, तो आप आना यार ज़रूर घूमना। और मुझे व्लॉग में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप मेरा व्लॉग देख के जा रहे हो कि आपको कैसा लगा। बाकी यार अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो और मेरे इंस्टा हैंडल पर भी DM कर सकते हो। मेरे इंस्टा हैंडल है Vardhan443। तो होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो यार व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, जो मेरे व्लॉग लाइक करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद। अब आप कर देना, मैंने धन्यवाद बोल दिया है, ठीक है? तो चलिए यार मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।